दोस्तों हम आज बात करेंगे आंवला। आंवला आयुर्वेद में अमृत माना गया है, बालों के लिए, त्वचा के लिए और आँखों के लिए। तो दोस्तों आज हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे आपको आंवला सफ़ेद दाग में कितना फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बीमारी जो भी है उससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी, जिससे आप अपने इलाज को बहुत ही आसान बना सकेंगे और बहुत जल्दी ही आप स्वस्थ हो सकेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं आंवला। आंवला दोस्तों आयुर्वेद में त्वचा, आँखों और बालों के लिए वरदान माना गया है, बिल्कुल अमृत के समान। लेकिन दोस्तों अभी जस्ट जो DRDO का रिसर्च है, डीआरडीओ का रिसर्च है, उसमें दोस्तों ये बताया गया कि आंवला का सेवन सफ़ेद दाग और ल्यूकोडर्मा में फ़ायदेमंद है या नहीं है, उसके बारे में DRDO ने बताया है। तो दोस्तों आयुर्वेद में तो ये बताया गया है कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है, बालों के लिए फ़ायदेमंद है, आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों जो DRDO का रिसर्च है उसमें आंवला को मना किया गया है, क्योंकि आंवला खट्टा होता है और खट्टी चीज़ें जो हैं हमारे मेलेनिन को घटाती हैं। तो DRDO में मना किया गया है कि आंवला ना खाएं, क्योंकि ये मेलेनिन को घटा देता है और आपका जो कलर आना चाहिए स्किन का उसको धीमा कर देता है। तो दोस्तों अगर आप वाइट पैचेस, सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा आप दवाई करा रहे हैं तो आपको आंवले का सेवन नहीं करना है, और अगर आप करना है तो आप जो भी आपके वैद्य हों आयुर्वेद के उनके संरक्षण में ही करें, अपने मर्जी से ना करें, क्योंकि आयुर्वेद में सफ़ेद दाग में भी इसका उपयोग होता है आंवले का, और बहुत अच्छा उपयोग होता है। लेकिन आप अपने मर्जी से YouTube पे देख के ना करें, आप किसी विशेषज्ञ वैद्य की देख रेख में ही ये उपाय करें कि कैसे आंवला लेना है, किस तरह से क्या मिलाकर, तो जो आपकी त्वचा के लिए फ़ायदा, उसमें सफ़ेद दाग दूर होता है दोस्तों आंवले के पाउडर से। लेकिन वो किसी वैद्य के विशेषज्ञ उनके देखरेख में ही आप उपयोग करें, YouTube पे देख के नहीं करें, आपसे ये मेरा निवेदन है। तो दोस्तों आप लोग आंवले का, बाकी लोग जो लोग आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या एलोपैथिक दवाई करा रहे हैं वो लोग आंवले का प्रयोग ऐसे ना करें, मतलब अगर करना है तो आप अपने किसी वैद्य हकीम उनकी देखरेख में उनके बताए हुए अनुसार ही उपयोग करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप स्वस्थ हों जल्दी, यही मेरी कामना है।